चले। श्रेणीक्रम हो गया था, श्रेणीक्रम के अंदर फॉर्मूला क्या था, धारा निकालने का, आई टी बराबर एन डॉट ई बट्टा में स्मॉल आर एन प्लस में कैपिटल आर, यही था ना। आज पढ़ेंगे समांतर क्रम, समांतर संयोजन। संयोजन पढ़ किसके रहे हो, सेलो समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के अंदर खास बात क्या होती, सभी सेलो, सभी सेलो पर वोल्टेज का मान, वोल्टेज का मान, वोल्टेज का मान समान होता है, क्या होता है समान होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है सभी सेलो पे समान होता है, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या। चलो तो सभी सेलो पर किसका मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, इसीलिए अपने को क्या निकालनी है, धारा निकालनी। समांतर संयोजन किसको बोलते हैं, प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ। चल छोटी प्लेट कौन सी होती है, ऋणात्मक। संख्या किसकी ज्यादा होती है, एक। टर्मिनल कौन सा बड़ा होता है, ऋणात्मक। टर्मिनल बड़ा होता है, जो प्लेट छोटी होती है वो क्या होता है, टर्मिनल बड़ा होता है। ये माइनस की है और ये प्लस। मान लेते एक सेल का जो वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है, ई वोल्ट। इसका भी ई वोल्ट, इसका भी ई वोल्ट, इसका भी ई वोल्ट, सबका क्या है, ई वोल्ट है। चले ई वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज, कुल कुल वोल्टेज क्या होगा, कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, एक बट्टा, एक बट्टा ई प्लस एक बट्टा ई टू प्लस एक बट्टा ई थ्री, ऐसे तो निकालते हैं सारी। अगर एक ही वैल्यू के तो आर बट्टा एन, आर बट्टा एन सभी। अगर श्रेणी क्रम पढ़ा नहीं था, वोल्टेज निकाल लो, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकलेगा आर बटा एन से, कैसे निकलेगा आर बटा, कैसे निकलता बता दे। मान लेते एक सेल कितने वोल्टेज का, दो वोल्टेज का, एक बार मान ले कितने वोल्टेज, मेरे को टेस्टर देते साथ में आते हैं, मान लेते एक कितने वोल्टेज का, दो वोल्टेज का, एक बार मान लेते हैं, तो टोटल वोल्टेज निकालते हैं कैसे निकलेगा, एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा प्लस तीन से ले, तीन बार निकलिए, एलसीएम कितना आया, ऊपर कितना आएगा, प्लस एक, टोटल तीन बट्टा, उल्टा नहीं करेंगे क्या, दो बट्टा, ये दो क्या था, दो क्या था, एक सेल का प्रतिरोध भी तो है, वोल्टेज ही तो था, या प्रतिरोध मान लो चाहे वोल्टेज मान लो, नीचे वाली क्या थी, संख्या है ना, एक दो तीन, तो ऊपर तो क्या है, ई, नीचे क्या आ गया, एन। मैं सीधा लगा के बताता हूँ, देख रहा, ई बट्टा एन, ई बट्टा एन, और प्रतिरोध होता था अपन आर बट्टा एन नहीं लगाते क्या, तो ई बट्टा ई है, एक सेल का वोल्टेज कितना है, एन कितने है, अरे आंसर सेम नहीं आ रहा क्या, चलू आगे। अब तो ये अपन तो इतना आगे बढ़ चुका, अब तो इनमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन तभी हो रहा तब आप घर जाकर देख रहे नहीं हो। फुल वोल्टेज कैसे निकलेंगे, कुल वोल्टेज कैसे निकलेगा, ई बटा एन, ई बटा एन, टोटल वोल्टेज होगा क्या, एक सेल का होगा वही तो टोटल होगा, सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा, यहां से ई जाएगा तभी तो इस पे ई पहुंचता, इस पे भी, इस पे भी ई। इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, चलूं आगे। तो टोटल अगर आप बोले कि प्रत्येक सेल का वोल्टेज, प्रत्येक सेल का दो वोल्ट है, कितने वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज का मान बताओ, एक परिपथ में तीन सेल जोड़े गए समांतर क्रम में, एक परिपथ में, एक समांतर परिपथ में तीन सेल जोड़े गए, कितने सेल जोड़े गए, तीन सेल जोड़े गए, प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज है वो कितने वोल्ट है, दो वोल्ट, कितने वोल्ट है, सप्लाई वोल्ट तक का मान क्या होगा, दो ही तो होगा, जितना जाएगा भाई तभी तो सब पे पहुंचेगा भाई। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो घर का जो फ्रिज है वो 230 वोल्ट ले रहा है, पंखा 230 ले रहा है, वो 230 वो दो, सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालेंगे, 230 ही तो होगी, सारे समांतर क्रम में ना, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है,
समान होता है, अलग किस रेजिस्टेंस का होता है, धारा का होता है। चले आगे आगे आ जाओ, तो टोटल वोल्टेज अगर निकालना पड़े तो ये ना लगा के टोटल क्या बताएंगे समझ, सेल के अंदर ई, टोटल फुल वोल्टेज क्या होगा ई। आई गया बात समझ में भाई, एक सेल का वोल्टेज है ना वही सप्लाई वोल्टेज है, मेरा कहने का मतलब ये, इतनी रामायण समझने का मेरा ये था कि आपको पिछला वाला भी थोड़ा याद आते। अगला मान लें तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है आर, कितना है वो भी कौन सा स्मॉल है, इसका भी, इसका भी कौन सा होगा इसका भी स्मॉल, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध सारे एक ही वैल्यू के समान क्रम कैसे निकालते हैं, आर बटा एन था ना श्रेणी क्रम में, तो इसमें क्या हो जाएगा आर बटा एन ही होगा ना, प्रतिरोध तो यही निकाल रहे वन पाई प्रतिरोध था, टोटल कितना है कितना आर बटा में एन, लाइन समझ आई क्या मेरी ये वाली, हो जाएगा क्या, हो गया सर ध्यान दे ही नहीं तेरे यहाँ पे। अगला अब क्या होता है, एक लोड प्रतिरोध नहीं होता क्या, लोड प्रतिरोध मान लेते कितना है कैपिटल, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बताओ कितना होगा आर बट्टा एन प्लस में, ये नहीं होगा क्या, जोड़ देंगे चले आगे, तो धारा निकालते क्या निकालते हैं, बैटरी द्वारा धारा, धारा निकालने का फॉर्मूला कल बता चुका, आई टी बराबर वी टी बट्टा आर टी, यही तो था ओम का नियम, तो ये भाई वी बट आई बराबर वी बटा आर बराबर के नीचे बराबर वी टी, टोटल वोल्टेज का वैल्यू कितनी है ई, तो निकाला है वैसे मत कर रहे हमें, तो बट्टा आर एम प्लस आर, यहां पे आपका फॉर्मूला खत्म है, यहां से बन जाएगा। आगे कैसे तैयार करते हैं, नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या मान लिया एक एलसीएम लेना, तो एन और एक का एलसीएम कितना आएगा एन आएगा, क्या आएगा एन से एन कट गया तो क्या बच गया स्मॉल प्लस आर एन, नेक्स्ट जो अपने पास जो बचा है ई बट्टा में क्या बच गया आर प्लस आर एन बट्टा में एन, ये लाइन मैंने यहां दोबारा लिखी, समझ आएगी क्या, देखो नीचे कुछ नहीं है तो एक पहले की चौथे से गुणा होती किससे, पहले की तीसरे से, दूसरे की तीसरे से, अरे इसको उल्टा कर दो यार, गुणा किससे होती है पहले की दूसरे की चौथे से, या तो ये चीज याद रखो पहले की तीसरे की दूसरे की चौथे से गुणा होती है, वरना क्या करो ये तो मैथ के नियम है, कुछ नहीं करो इसको क्या कर दो एन को क्या भेज दो ऊपर, तो एन डॉट ई एन डॉट बट आर प्लस आर एन, ये फॉर्मूला है समाधान में टोटल धारा निकालने का, चाहे तो ये लगा लो फिर आपको काटा पीटी करनी तो पड़ेगी पड़ेगी, कैल्सियम तो लेना ही पड़ेगा, सीधा आपको क्या लगाना है ये वाला, तो श्रेणी क्रम के अंदर जो श्रेणी क्रम की बात करो, श्रेणी क्रम में सेलों का जो संयोजन होता है उसमें टोटल धारा निकालने का फॉर्मूला यह था एन डॉट ई एन डॉट स्मॉल आर एन प्लस में आर था, इसमें क्या होगा एन डॉट ई भी है लेकिन इस बार क्या होगा स्मॉल आर अकेला रह गया और एन कहां चला गया बड़े वाले आर के पास, समझ आई क्या, पहले भाईला कौन सा पसंद था छोटा वाला, अब थोड़ा समझदार होकर कहां चला गया बड़े वाले भाईला के पास, कहने का मेरा मतलब ये भाई जो श्रेणी क्रम का था ना ऑब्लिक करके लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, एन डॉट ई बट्टा में आर एन प्लस में आर, यही तो था पहले एन किसके साथ था स्मॉल आर के साथ, जमा नहीं यहां से उठ के कहां चला गया कैपिटल, चाहे तो ऐसे याद रख लो वरना तो क्या है अपने पास तरीका तो है निकालने का, यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो बताओ हो जाएगा क्या, एक बार ढंग से देख लो कैसे कैसे निकाला, सवाल करते हैं आगे, सवाल देखो 10 कार्बनिक जिंक सेलों को, 10 कार्बनिक जिंक सेलों को, जिंक सेलों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, साथ साथ में करते जाओ आंतरिक प्रतिरोध, सवाल मत उतारना सिद्धांत से बता दो, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है तथा लोड प्रतिरोध
लोड प्रतिरोध 10 ओम है तो क्या टोटल आईटी निकालनी है तथा टोटल वोल्टेज निकालनी है। सवाल सुन लेना दोबारा। 10 सेल है, 10 कार्बनिक जिंक सेल है जिनको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.1 ओम तथा लोड प्रतिरोध का मान कितना है 10 ओम। तो निकालनी है बैटरी द्वारा धारा, टोटल धारा और टोटल वोल्टेज 10 ओम है तो 10 ओम है तो टोटल धारा, टोटल वोल्टेज ये याद करना। सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है, सबसे पहले दो लोग देखो दिया क्या है, दिया क्या क्या है, पहली लाइन में क्या है दिया, ये क्या है n है ना 1.2 एम्पीयर n बराबर, और बीटी का मान बीटी कितना है, चलो इसका है 1.2 एम्पीयर, मिला लेंगे बाद में फिर बताना। और बीटी का है 14, चलो गलत है, आ जाओ दिया है n कितना दिया है 10, n कितना दिया है 10, और किसी का आंसर है तो बता दे जाना। उसके बाद क्या दिया अगली लाइन में क्या दिया, अरे पढ़ने में पता नहीं चल रहा क्या, क्या दिया और क्या दिया, आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल कितना दिया 0.1, फिर क्या दिया लोड प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर 10, फिर क्या दिया कुछ नहीं दिया, निकालना क्या आईटी निकालनी है और बीटी। सबसे पहले देखो टोटल वोल्टेज का मान कितना होगा, नेक्स्ट देना मेरे को टोटल वोल्टेज, ये सवाल गलत है, इसका मतलब सवाल क्या इसका आंसर भाई 1.5 ही तो आंसर होगा ना भाई, कार्बनिक जिंक सेल है, सुख सेल का प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है 1.5 वोल्ट, समांतर क्रम में चाहे कितने जोड़ दो टोटल वोल्टेज कितना रहेगा भाई, जो दिया वही तो रहेगा ना, तो वीटी की वैल्यू तो खत्म होगी, कितना है 1.5 वोल्ट आंसर खत्म। समांतर क्रम में क्या होता सभी सेलों में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, तो सप्लाई वोल्टेज गई वही तो गई है, सप्लाई वोल्टेज डेड है तभी तो सब डेड 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 किया है। चले आगे अगला, फिर निकालना क्या आईटी, ये तो हो गया सवाल आईटी बराबर आईटी, सवाल क्या होता है समझ करो एन डॉट ई, छोटो डार तो सिंगल रह गया और एन कहां से लग जाएगा मोटो डार के पास, आ जाओ एन कितना है ई कितना है 1.5 बट्टा में स्मॉल आर 0.1 प्लस आर कितना है 10 इंटू एन कितना है, एन भी तो 10 ही है भाई, लोड प्रतिरोध भी कितना है 10 और टोटल सेल कितना है 10, आ जाओ कितना है ऊपर गुणा करो 10 को 1.5 से गुणा करो कितना आएगा, चलो पॉइंट भूल जाओ इधर 15 को 10 से गुणा करना 150, एक अंक बाद पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 15.0, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती तो हटाओ बट्टा में 0.1 तो ही पहले हमेशा गुणा हल होती है 10 × 10 कितने हो गए 100, आजकल 100 होते हैं, चलो 15 बट्टा कितना गया 100.1, अब ये क्या करो पॉइंट ऊपर हटा दो 150 बट्टा में 1001, ये एम्पीयर आंसर है। आगे हल करते रहना, हल कितना आएगा 0.1, लगभग कितना एम्पीयर आएगा भाई, भाग जाएगा नहीं तो कहीं का आएगा 0.2 उतरेगा 1500 हो गए तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो कितना बच जाएगा लगभग क्या आएगा 0.1 एम्पीयर आएगा। हल कर लेना घर जाके हो जाएगा क्या सवाल, एक सवाल और लिखो इसी को चेंज कर देता हूं, ये बंद करना इसको एक मिनट कॉल आ रहा। चले आगे अगला सवाल देखो, 50 कार्बनिक जिंक सेल क्या जोड़ा गया समांतर क्रम में, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.2 ओम, लोड प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम, फटाफट आंसर कर दो, एक मिनट आपके पास, रोक बेटा एक मिनट रोक, कितना है मेरे को बेटी बताओ टोटल वोल्टेज कितना है, ये तो समझिए 1.5, आईटी निकालने का फॉर्मूला देखो
आई टी बराबर क्या था, एन डॉट ई बटा में आर प्लस एन, एन कितना है इस बार 50 है, इंटू ई कितना है एक का बटा में, आर कितना है 0.2 प्लस आर कितना है इंटू मैन कितना है 50, ऊपर कितना आएगा 75 आएगा, 15.75 एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद इसको जोड़ो 0.2 तो ही प्लस में कितना आ गया 25 250, तो 75 बट्टा में 250.2 पॉइंट हटा के ऊपर फेंक दो तो 750 बट्टा में 2502 एम्पियर आंसर निकाल देना काटा कटे करके, हो जाएगा क्या है। चलो एक सवाल और दे देता हूं, आ जाओ, ये था श्रेणी और समांतर दोनों के, अब आप बात करते हैं मिश्रित क्रम की। मिश्रित क्रम ज्यादा कुछ याद रखना नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो आपके जो न्यूमेरिकल है वो या तो श्रेणी पे आएगा या समान पर, मिश्रित में लगभग आता नहीं है, आता है तो भी याद रख लेना फॉर्मूला। सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, आई टी बराबर एन डॉट ई बटा में आर एन प्लस, यही तो था दोनों का, एम एम लगा दो, क्या लगा दो एम एम, जहां जहां एम बराबर पंक्तियों की संख्या होती, क्या होती है पंक्तियों की संख्या, बाकी सबका तो पता ही, एन क्या होगा नंबर ऑफ सेल, ई क्या होगा एक सेल का वोल्टेज, छोटो डार क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध, मोटो डार क्या होगा लोड प्रतिरोध, बाकी सब तो पता ही है। अब आपको जितने सवाल किए ना उन सवाल में ये बोल देगा तीन पंक्तियां, कितनी पंक्तियां तो क्या लग जाएगा, बाकी सवाल तो था ही, एम की जगह क्या लगा देंगे तीन, इस पे सवाल आते नहीं है आपको, आपको क्या याद रखना फॉर्मूला याद रखना, को दिक्कत समझे परेशानी यहां तक हो जाएगा क्या, दोबारा बता देगा श्रेणी क्रम के अंदर फॉर्मूला क्या है, एन डॉट ई बट्टा में स्मॉल आर एन प्लस में आर, समांतर क्या होगा एन कहां चला जाएगा दगाबाज कर जाएगा, कहां चला जाएगा मोटो डायर के पास, तो एन डॉट ई बट्टा में आर स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर और स्मॉल एन, यही तो होगा। और मिश्रित क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम का तो याद है ही आपको, एक श्रेणी क्रम पे तो बेस है, पहले श्रेणी क्रम के साथ क्या हुआ धोखा, एन कहां चला गया आर के पास तो समांतर हो गया, अब श्रेणी क्रम के वापस एन तो चला जाता है लेकिन क्या आ गया एम आ गया, तो ऊपर भी एम चला जाएगा नीचे भी तो एम जुड़ेगा कहां पे, ये बताओ लोड प्रतिरोध के पास, कहां जुड़ेगा लोड प्रतिरोध के साथ, अरे उनके साथ तो जुड़ेगा जुड़ेगा भाई, वोल्टेज तो जो मेन है ना लोड पे भी क्या बन जाती है एक पंक्ति बन जाती है, तो क्या जुड़ जाएगी लोड के साथ भी, चलें कि आगे चलें, अरे तीन क्यों यूज करेंगे, कोई बोल दे चार पंक्तियां है, कोई बोल दे दो पंक्तियां है, कोई एक बोल दे तो लिखना ही नहीं होता, पंक्तियां अगर जितनी बोल दे उन पंक्तियों के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको पढ़नी है बैटरी की क्षमता, बैटरी की क्षमता, बैटरी की क्षमता सोडा, ये दो नंबर यहां से पक्के हो रहे हैं तेरे, कन्फर्म आएगा क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता, बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है एम्पियर, एम्पियर घंटा या और बोल दो एम्पियर घंटा में मापी जाती, में मापी मापी जाती, पहली बात तो ये बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है एम्पियर घंटा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना, यही करना है एक याद रखना, एक और मापी जाती किस मापी जाती है वाट घंटा में, किस मापी जाती है वाट घंटा में मापी जाती है, तो बैटरी की क्षमता किस मापी जाती है एम्पियर आवर, यानी कि एम्पियर को प्रदर्शित किससे करता है ए एच, एम्पियर बोले तो आवर बोले तो एच, ए एच में मापी जाती है, किस मापी जाती है कभी भी बैटरी को आप देखना, बैटरी बोलते ना बोलते नहीं कितने एमएच की है 5000 mAh की है 20000 mAh की है, ऐसा नहीं बोलते क्या, पीछे क्या था ए एच, एच होता बैटरी की क्षमता, बैटरी की क्षमता किस मापी जाती है एम्पियर घंटा पे, एम्पियर आवर या एम्पियर
घंटा में, चलू आगे, वाट घंटा में भी मापी जाती है। अगला एम्पियर घंटा गधे, ए फॉर एम्पियर, एक्स का मतलब और एन की घंटा, वो तो शायद तो होता तो मिली का होगा या मेगा का होगा, कंफर्म नहीं पता उस चीज का, बाकी एम एच बोलते हैं। ठीक है आगे आ जाओ, फिर आप पढ़ोगे पूर्ण क्षमता बैटरी की। अगर पूर्ण क्षमता मापनी है तो क्या करें सर, बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था, पूर्ण चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज, पूर्ण डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता, मापी गई क्षमता, आवाज मत कर, क्षमता क्या कहलाती है, पूर्ण क्षमता कहलाती है। मतलब आपको बैटरी कितनी है, 100 थी, आपने जीरो तक देखा, अपन नहीं बोलते कि मेरी बैटरी मैंने ना दो दिन हो गए मैंने चार्ज नहीं की, चेकअप करते हैं ना अपन, यार मैंने आज चार्ज करता हूं, देखता हूं 24 घंटे चलती है 10 घंटे चलती है, चलाने पर है। अगर आपने उसको पूर्ण चार्ज कर रखा और फिर क्या कर दिया, आपने उसको पूर्ण डिस्चार्ज होने तक चेक किया कि बस अब आपका फोन क्या होता है, पूर्ण डिस्चार्ज हो गया, तो आपने देखा मेरा फोन 12 घंटे चला या 10 घंटे चला, उसको बोला जाता है पूर्ण क्षमता, पूर्ण क्षमता। चलू आगे, हालांकि ये व्यवहारिक नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये क्षमता व्यवहारिक नहीं होती। मैंने कहा सर क्यों नहीं होती, वो उसका कारण बताओ, उसका कारण ये है बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज होने पर, पूर्ण डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज नहीं हो सकती, पुनः चार्ज नहीं हो सकती, इसलिए आप उसको पूर्ण डिस्चार्ज तो आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना आपकी बैटरी 0% लिखी होती है, लेकिन 0% कभी चार्ज उसने को चार्ज होता है, जिस दिन पूरी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई वो दोबारा चार्ज पकड़ेगी ही नहीं, इसलिए ये मापना तो इम्पॉसिबल है, माप ही नहीं सकते, अगर माप लिया तो दोबारा इस बैटरी को काम में नहीं ले पाओगे। चलूंगी आगे, तो याद रखना कौन सी क्षमता व्यवहारिक नहीं होती, पूर्ण क्षमता। अब पूर्ण क्षमता किसको बोलते हैं, फुल चार्ज तथा डिस्चार्ज, फुल चार्ज तथा डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता, क्या कहलाएगी, पूर्ण क्षमता, ये व्यवहारिक नहीं होती, क्योंकि अगर डिस्चार्ज एक बार बैटरी डिस्चार्ज होगी तो दोबारा पूर्ण चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा काम में नहीं लिया जाता। अगर बैटरी बोलते किसको अपन, तो दोबारा चार्ज ले सके उसको तो बोलते हैं, तो दोबारा काम ही नहीं ले सकता, फिर ये गलत हुई, इसलिए व्यवहारिक नहीं होती। तो अपने को जो याद रखने वो याद रखने सामान्य दक्षता। क्षमता है या दक्षता कौन सी, सामान्य क्षमता। बैटरी को पूर्ण चार्ज तथा 1.8 वोल्टेज डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता क्या कहलाती है, सामान्य क्षमता। आपकी बैटरी में क्या होना चाहिए, 1.8 तक लास्ट बैटरी कहां तक होनी होती है डिस्चार्ज, 1.8 तक। मैं आगे बताऊंगा चार्जिंग अवस्था कौन कौन सी होती है, आप बैटरी लेके जाते हो दुकान वाले के पास, वो देख के बता देना आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, या हाफ चार्ज है, या फुल चार्ज है, या डिस्चार्ज है, उसको कैसे पता चला। मैं डिस्चार्ज जो वोल्टेज अवस्था होती है वो कितनी है, 1.8। अगर आपकी बैटरी में अगर आप चेक कर रहे हो और आपका 1.8 वोल्टेज दे रही है, कितनी दे रही है, इसका मतलब आपकी बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है। चलूं क्या, तो पूर्ण चार्ज से 1.8 वोल्टेज तक, पूर्ण चार्ज से 1.8 वोल्टेज तक मापी गई क्षमता क्या कहलाती है, सामान्य क्षमता। और पूर्ण क्षमता मतलब फुल चार्ज से डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता, इसलिए व्यवहारिक नहीं होती। ये दोनों समझ ही आ गई, बस इतना याद रखना, पूर्ण क्षमता तो क्या होती है, फुल से डिस्चार्ज, व्यवहारिक नहीं होती। ये क्या होगी, पूर्ण से 1.8 डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज अवस्था होती है बैटरी की चार अवस्था होती है, कितनी अवस्था होती है, चार। आगे पढ़ताऊंगा, एक तो फुल चार्ज, या तो बैटरी फुल चार्ज होगी, या बैटरी क्या होगी, हाफ चार्ज भी तो होती है, या बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज। चौथी अवस्था कौन सी हो सकती है, बैटरी खराब हो चुकी है, यही तो चौथी अवस्था होगी, इसके अलावा अवस्था नहीं हो सकती। या तो आपकी बैटरी चार्ज है, या डिस्चार्ज है, या हाफ चार्ज है, या क्या है, खत्म हो चुकी है बैटरी, चार होगी ना, फुल, हाफ, डिस और
डेड सेल, आपकी बैटरी क्या होगी, डेड हो चुकी है। चलो आगे, तो डिस्चार्ज अवस्था कौन सी होती है, 1.8। फुल चार्ज अवस्था भी बताऊंगा जिसकी वैल्यू होती है 1.25 से 1.28। हाफ चार्ज की होती है 1.20 से 1.25 से 1.20 से 1.25 के बीच, और डिस्चार्ज 1.8 है ही। अगर 1.8 से कम हो चुका है तो बैटरी आपकी क्या हो चुकी है, खराब, डेड हो चुकी है। वो आगे लिखवा दूंगे सारे, आगे आ जाओ। तो अब आपको निकालनी है एम्पियर वाट घंटा, एम्पियर वाट, एम्पियर वाट, एम्पियर घंटा क्षमता, एम्पियर घंटा क्षमता दक्षता, दक्षता को किससे निकाला जाता है, नीटा से प्रदर्शित, किससे करते हैं, नीटा से। ये नीटा का सीमक, किसी की भी दक्षता निकालनी, दक्षता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, नीटा से। दक्षता निकालने का सूत्र क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। एक बार याद रखना, आउटपुट बट्टा में इनपुट। अब मेरे को ये बताओ, आप इसमें इनपुट देते क्या हो, चार्ज करते हो बैटरी को, वही तो इनपुट है। तो इनपुट की जगह क्या लिखेंगे, चार्जिंग, चार्जिंग धारा घंटा, कितनी धारा दी है, कितने देर तक। डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा भाई, आउटपुट क्या कर रहे हो आप, डिस्चार्ज करोगे बैटरी को, ऊपर लिख देंगे डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग धारा घंटा या एम्पियर घंटा, घंटा इनटू क्या लग जाएगी, 100, प्रतिशत में निकालनी तो 100। अब बात करते हैं, आ जाओ दोबारा, डिस को अपने प्रदेश किससे करते, डी से, डिस्चार्ज बोलते ना, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को किससे प्रदेश, डी से, धारा को आई से, तो आई डी, आई डी इंटू घंटे को एच डी, डिस्चार्ज ना, तो एच डी। आ जाओ नीचे, चार्जिंग को प्रदेश किससे कर देंगे, सी से, तो धारा है तो आई सी इंटू में एच सी इंटू में, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। आया कहां से वो मैं बता चुका हूं भाई, किसी की भी आप क्या निकालते हो, दक्षता निकालते हो, तो क्या होता है, आउटपुट बट्टा इनपुट, इनपुट में आप क्या करते हो, बैटरी को चार्ज ही करते हो, तो चार्जिंग धारा किसके बारे में पूछ रहे हैं, एम्पियर घंटा के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या कर देंगे, चार्जिंग धारा और घंटा, एम्पियर किसकी होती है, धारा की, तो चार्जिंग धारा और चार्जिंग घंटा। आउटपुट में क्या करते हो आप, बैटरी को डिस्चार्ज करते हो, तो डिस्चार्जिंग धारा घंटा, आपको पता है धारा को आई से बोलते हैं, घंटा को एच से, डिस्चार्ज करते हो तो डी टी लगा दो, चार्जिंग कर रहे हो तो सीसी, और प्रतिशत अगर पूछा तो क्या लगा दो, इंटू में 100। आई के बाद समझ में। अगला, इसका मान, इसका मान, इसका मान होता है 80 से 90%, 80 से 90%, ये याद रखना। एम्पियर आवर क्षमता अगर पूर्ण, अगर अच्छी है ना बैटरी, तो उसकी क्षमता कितनी होती है, अच्छी बैटरी की 80 से 90% होती है, वाट घंटा किससे कम होती है। चले आगे, इतना उतारो फिर चलते हैं।